मेरा नाम संजय गुप्ता है और मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। और देखो, ये हम दिखा रहे हैं भाजपा वालों, शर्म करो, संविधान की हत्या करना बंद करो। इस पे आज धरना प्रदर्शन किया है आम आदमी पार्टी ने, जो हमारे 134 पार्षद जीत के आए हैं उनको वो जो जीत के आए हैं उनके साथ मारपीट की सदन में, और उन्होंने देखो किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी के कपड़े फटे, ये संविधान के खिलाफ है। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है उस पे देश चलेगा, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया। मारपीट किसने शुरू की पहले? भाजपा के कार पार्षदों ने, भाजपा के पार्षदों ने। लेकिन वीडियो जो दिखाई दे रहे हैं वो तो कुछ और बयां कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप वीडियो दोबारा से देखो, भाजपा के पार्षदों ने ही मारपीट की है। वो आए इसी लिए थे, उन्हें भाई मेयर बन, उन्हें पता है ना मेयर बनना है आम आदमी पार्टी का। जो भाई पार्षद जीत के आए हैं, जनता ने पार्षद को जिताया है, क्षेत्र में पार्षद जाएंगे, काम करेंगे, वायदा करके आए हैं। वो चाहते हैं जनता का, भाजपा चाहती है जनता का काम ना हो, भाजपा चाहती है जनता का काम ना हो, ना वो काम करते हैं ना करने देते। ऐसा क्यों? उन्हें काम करना नहीं है। तो फिर मोदी जी को जनता ऐसे ही चुन रही है? मोदी जी को जनता चुन रही है राम के नाम पे, केवल राम के नाम। हाँ, तो केजरीवाल उनके पास कोई काम नाम ले लें, क्या दिक्कत है भाई? राम तो सबके हैं जी। तो फिर बीजेपी में ऐसी क्या खासियत है जो वो अपनी दबंगई दिखा रही है? भाई वो दबंगई इसलिए दिखा रही है, प्रशासन उनके हाथ में, एलजी साहब उनके हाथ में। मारपीट सदन में हुई, दोनों पक्षों ने मारपीट की, क्या संविधान को आहत दोनों पक्षों ने नहीं फैलाई पहुंचाई? भाई आम आदमी पार्टी तो संविधान को मानने वाली है, संविधान पे चल रही है, बाबा साहब को मानने वाली है। क्यों किया? बाबा साहब को मानने वाली है आम आदमी पार्टी। जैसे अब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, उस समय भी शांत रह सकते थे? देखो हमारे जो पार्षद गए थे, आम आदमी पार्टी के पार्षद गए थे शपथ लेने के लिए गए थे, ना कि वहाँ झगड़ा करने के लिए। और झगड़ा उन्होंने किया, उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, इसलिए झगड़ा हुआ। जैसे अभी आप बोले कि आम आदमी पार्टी संविधान को मानने वाली है, तो जो है कि जब गुजरात का चुनाव हो रहा था उस समय अरविंद केजरीवाल मूर्ति क्यों बंटवा रहे थे उनको? बाबा साहब की मूर्ति जो है कि या संविधान उनको बंटवाना चाहिए था ना? नहीं, बाबा साहब को मानते हैं ना, सीएम साहब भी मानते हैं, कौन नहीं मानता, सभी मानते हैं बाबा साहब। तो संविधान क्यों नहीं बंटवाए, मूर्ति लक्ष्मी और गणेश की क्यों बंटवाए? देखो जो सबको मानते हैं ना भाई, ये अब ये बताइए जो ये जो आम आदमी पार्टी क्या चाहती है, बीजेपी जो आप कर रही है एमसीडी भाई, शांतिपूर्ण मेयर बनना चाहिए, सदन में शपथ होनी चाहिए, जनता का काम होने चाहिए, जनता से आम आदमी पार्टी के पार्षद वायदा करके हैं, वो वायदा निभाएंगे। जैसे हमारे जो विधायक हैं उन्होंने वायदा किया, वैसे वायदा निभाएंगे। इतना जीतने के बाद भी बीजेपी बार बार क्यों चढ़ रही आम आदमी पार्टी पे दिल्ली में? उनको पसंद नहीं है, उनको पसंद नहीं है कि एक बढ़िया सरकार बने, लोगों का काम हो, जनता का काम हो। जैसे बोला है कि जैसे दिल्ली सरकार में काम हो रहे हैं, विधायक जी कर रहे हैं, विधायक लोग कर रहे हैं, वैसी मेयर करेंगे, वैसी पार्षद करेंगे। वो चाहते काम ना हो, उलझाना चाहते हैं। इसमें एलजी साहब का क्या रोल है? बार बार वो एलजी साहब को शपथ दिलानी चाहिए, पहले पार्षद 134 जीत के आए उनको शपथ दिलानी चाहिए आम आदमी पार्टी के पार्षदों को। तो फिर समस्या क्या आ रही है? फिर तो बीजेपी जीते सर, काम तो आम आदमी सफर आदमी कर रहा ना। पर वो करा कर रहे हैं, वो तो कोई ना कोई नया पेच फंसा देते हैं एलजी साहब। अभी इसमें पब्लिक तो परेशान हो रही है ना जी, वो चाहते ही है पब्लिक परेशान हो, पब्लिक का काम ना हो, ये एलजी साहब चाहते हैं और क्या, नहीं तो शपथ होती नहीं लगा रहे एलजी साहब पर? भैया देखो आरोप दिखाई दे रहा है ना सबको, क्षेत्र की जनता ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को भेजा है, तो शपथ क्यों नहीं लेने दी उन्होंने? और उन्होंने बदतमीजी की और
हाथ पैरों में देखो चोट भी आई, बहुत सारे लोगों के चोट आई है पार्षदों के, आम आदमी पार्टी के। वो तो बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी में दंगाइयों की फौज आ गई। अरे भाजपा खुद वो दंगाई है, वो खुद दंगा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी बाबा साहब के संविधान पे चल रही है, बाबा साहब के जो संविधान बनाए हैं उस पे चल रही है। वो संविधान को मानने वाली पार्टी है, आदरणीय केजरीवाल साहब संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उस पे चल रहे हैं हम लोग। आम आदमी पार्टी उस पे चल रही है, उस पे बनी हुई है। नहीं नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, मीडिया देख रही है। आप सोशल मीडिया कितनी वो है, सब लोग देख रहे हैं। सरकार भी तो संविधान के दायरे में काम कर रही है। संविधान को वो अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, वो संविधान को वो अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। हाँ, तो संविधान की हत्या कैसे हो रही है? नहीं, संविधान भाई तो पार्षद जीत के आए हैं तो पहले उनको शपथ दिलाओ ना जी। समस्या क्या है सर, ये बताइए थोड़ा सा डिटेल से। देखो डिटेल से क्या चल तो रहा है सर, पहले पार्षद आम आदमी पार्टी के जो 134 जीत के आए उनको शपथ दिलाओ। तो बीजेपी 10 जो पार्षद वो क्या कहना चाह रही है? वो घर बैठे पार्षद मनोनीत कर दिया, उनका क्या हक बनता है? सत्ता में है वो अभी भी, प्रधानमंत्री है। फिर क्या, तो जो भाई संविधान में जो लिखा है उसको बोलो ना। एलजी साहब उसको जो संविधान में उसको करे ना, मतलब कहीं ना कहीं एलजी साहब गलत कर रहे हैं। बिल्कुल पक्षपात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? एलजी साहब कैसा पक्षपात कर रहे हैं कि भाई जब सरकार, जब आम आदमी पार्टी जीत के आई है तो उनको शपथ दिलाओ ना पहले। तो अब आप क्या मांगे, क्या इसी धरना करना चाह रहे हैं आप? भाई ये देखो भाजपा वालों, शर्म करो, संविधान की हत्या करना बंद करो, हम ये चाहते हैं।